पेट रेस्ट में बोल दिया, हिलने को नहीं कहा था। किडनी दिक्कत, किडनी का मेरा भी दिक्कत है, लीवर का दिक्कत है, और कान में जो है ना दर्द करता है, दौड़ा हुआ आ गया। तो बात को समझिए, कुछ तो है करना है तो लालू प्रसाद यादव से कीजिए, वो आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा, और दुश्मनी करना है तो लालू प्रसाद यादव से कीजिए, वो मुख्यमंत्री बन जाइए, पूरा मिठाई चलेगा और पूरा पेड़ा पूरा लड्डू चलेगा। डू एंड डाई बट नॉट क्राई। लालू यादव जी ने 2015 में हमको बोले थे कि MLC बना दे मेरे बिहारी। लालू जी 2015 में चुनाव में विनायक जी MLC बना दें, विधायक बना दें, राज्यसभा भेज दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूँ आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी मैं मौजूद हूँ पटना के एयरपोर्ट पर, और आप सभी को पता है कि आज लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार पटना आ रहे हैं, और हमें मिल गए हैं उनके जबरा फैन। देखिए, जबरा फैन से जब हम पिछली बार मिले थे तो इनके साइकिल में जो थी वो झंडा नहीं थी, लेकिन इस बार ये कैप के साथ साथ झंडा भी लेकर एयरपोर्ट पे आए हैं और लालू प्रसाद यादव का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहिएगा, आज पहली बार लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पटना आ रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि हमको डॉक्टर बेड रेस्ट में बोल दिया है, हिलने को नहीं कहा था। किडनी दिक्कत, किडनी का मेरा भी दिक्कत है, लीवर का दिक्कत है, और कान में जो है ना दर्द करता है, आवाज़ करता है, इस सब बीमारी है। डॉक्टर बोला कि हिलना नहीं है, लेकिन जैसे ही सुबह में टीवी में देखा कि लालू जी आ रहे हैं तो किन माने चुपके से निकले और साइकिल उठा के निकल दिए पूरी के तरह से, क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव जी आएंगे और हम बेड रेस्ट में रहेंगे तो हमारा ये ठीक नहीं है, ये बेईमानी हो जाएगा अपने आप से। ईमानदारी, ऑनेस्ट, इधर अपने शब्दों से, अपने जिगर से, और हमको देखिए लालू प्रसाद यादव जी मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। जब हमारे साथ में बेड रेस्ट में यहाँ साइकिल चला दौड़ा हुआ आ गया, तो बात को समझिए, कुछ तो है। लालू प्रसाद यादव जी के ईश्वरीय देन है, गॉड गिफ्ट है और देवी शक्ति है। लालू प्रसाद यादव जी के साथ में ही कहता हूँ कि अगर दोस्ती करना है तो लालू प्रसाद यादव से कीजिए, वो आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा, और दुश्मनी करना है तो लालू प्रसाद यादव से कीजिए, उप मुख्यमंत्री बन जाइएगा। याद कीजिए, 5 साल पहले कोई आलोचना कर करके, दुश्मनी करके उप मुख्यमंत्री बन गए, तो लालू प्रसाद यादव जी वो चीज़ है कि वो छीटा मार देंगे तो पारस पत्थर हैं, लोहा सोना हो जाएगा। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी के लिए मेरी जिंदगी आन मान शान पूरा जिंदगी कुर्बान है। मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि बड़ी मुश्किल के बाद कोई मार्गदर्शक, कोई गुरु, कोई आदर्श मिलते हैं, और हमारे जैसे आदमी, यकीन मानिए, विश्वास तो नहीं करेंगे, हिंदुस्तान का सबसे गरीब आदमी हम हैं, सबसे गरीब आदमी हैं। एक भिखा मंगा भी हमसे अमीर है, लेकिन हम सबसे गरीब आदमी हैं। हम सबसे गरीब आदमी होने के बावजूद भी आज हमारे पास सुकून, शांति, धीरू भाई अंबानी से ज़्यादा है, टाटा बिरला से भी ज़्यादा सुकून है, शांति है, क्योंकि चाह गई चिंता गई मनमा बेपरवाह, चाह गई चिंता गई मनमा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए उस शाहों को शहनशाह, चाहे सामने काहे न हो अमित शाह। अच्छा, ये झंडा बड़ा टाइट आप गाड़ दिए, बिहारों में इस बार गड़ जाएगा। ये सुनिए, ये झंडा, ये 1 2 3 दो पीछे 5, ये पूरा बिहार घूमता है। ये साइकिल से आपको गोपालगंज चल गए थे और रंगावा चल गए थे चुनाव प्रचार में। हम खाली दिल्ली नहीं गए हैं। इस बार तो तबीयत खराब है, कैसे जाइएगा? अरे भैया, लालू जी के नाम लेंगे तभी ठीक हो जाएगा। लालू जी जिंदाबाद। लालू हरवा पे मार खाइएगा। आप बताए थे कि बीबी हमको बोलती है, आज क्लास लेगी हमको, मलकिनी भी लेगी, बेटा भी लेगी, कि आपके लिए इतना लगे रहते हैं, दवाई कराते हैं, आप एक कीजिएगा, हम क्या करेंगे भैया? लालू जी के लिए सब माफ है। लालू जी ने जीवन दिया है, लालू जी ने जुबान दिया है, चेहरे पर मुस्कान दिए, बेजुबानों को जुबान दिए हैं, चेहरे पर मुस्कान दिए, बेजुबानों को जुबान दिए, और कुछ भी नहीं दिए माननीय लालू प्रसाद ने सही, पर यह क्या कम है हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति को? एक बात बताइए, पोती हुई थी तो मिठाई बांट रहे थे, और हम आपसे पूछे थे कि लालू प्रसाद यादव को मिठाई खिलाए कि नहीं, तो आज खिलाएंगे? हम खिलाएंगे, परसों खिलाएंगे। अच्छा। परसों भाबा साहब का जयंती है, कार्यालय में पूरा मिठाई चलेगा और पूरा पेड़ा पूरा लड्डू चलेगा। डू एंड डाई बट नॉट क्राई। हम अपना 80% तो बाकी देते हैं, 20% रखते हैं अपने लिए। अच्छा, एक बात बताइए, राजद के आप सबसे बड़े फैन हैं और तबीयत आपकी खराब है, कुछ दिनों से टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते रहते हैं, टीवी हल्का फुल्का, तो मालूम है ना तेजस्वी यादव के ऊपर FIR हो गया है गुजरात में। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए बताते हैं, हमने कहा है, लालू जी से सीखा है, अगर जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो मुश्किल के पास चलिए, मुश्किल को अपनाइएगा, जिंदगी आसान हो जाएगा। जो मुश्किल से भागते हैं वो परेशानी पड़ते हैं, और जो मुश्किल को अपनाते हैं वो आसानी पड़ते हैं। लालू यादव ठोकर खाए, अपनों के बेगानों से, परायों से, जुमलेबाजों से, CBI से, ED से, सेल्टक से ठोकर खा के इतने बड़े नाम हो गए। लालू यादव का नाम है, और लालू यादव से सारनाथ नाम से हम भी बदनाम है। हम भी बदनाम होने चाहते हैं, हमको भी चाहिए कि ठोकर लगे, हमको भी कोई करे FIR, हमको भी करे। जब जब FIR होगा,
जब जब FIR होगा दुनिया वालों से प्यार होगा। अरे बाप रे, देखिए जब जब FIR होगा दुनिया वाले से प्यार होगा। और ये साइकिल लेके निकल गए अपने मंजिल की ओर, और अभी ये पटना के एयरपोर्ट पर है। महज कुछ ही देर बाद लालू प्रसाद यादव एयरपोर्ट पे आएंगे और इनके जो जबरा फैन है उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात होगा, अगर बातचीत हो गया तो क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे, अरे मुलाकात होगा तो भाई कहेंगे कि सेवक हूँ मैं, चापलूस मत समझिएगा, मुंह पर बोलेंगे पीछे मत समझिएगा। लालू यादव जी ने 2015 में हमको बोले थे कि MLC बना दे बिहारी, लालू जी 2015 में चुनाव में बिनाई जी MLC बना दें, विधायक बना दें, राजसभा भेज दें। हम कि सर कुछ मत कीजिए, एक काम कीजिए, सेवक हूँ मैं, सेवक रहने दीजिए, सेवक रहकर मरने दीजिए, MLC बना के मत मरिए। तो MLC काहे नहीं बनना चाहते? आप भी मानते हैं कि MLC में घोटाला बाजी? MLC आएगा, गाड़ी मिलेगा, बॉडीगार्ड मिलेगा, पैसा मिलेगा, अहंकार मिलेगा। अहंकार मिलेगा, अहंकार आएगा, प्यार जाएगा। इसलिए हमको गरीब, हम दिल के गरीब, स्वभाव का शरीफ, इसलिए लालू जी के दिल से करीब। इस बार भी चुनाव प्रचार में साइकिल दौड़ेगा, पूरी के पूरी दौड़ेगा, पूरा हिंदुस्तान जाएगा और मेरी जान जाएगा। जान भी चला क्या बात करते हैं, जान क्यों जाएगा? जान इसलिए जाएगा कि महागठबंधन की सरकार केंद्र में लाना इतना आसान नहीं है, पूरी के पूरी तैयार है। विनय भाई को सबसे प्यार है, ये जो 350 रुपया गैस है जो 1200 हो गया है, हम 1200 से 500 पर लाएंगे, तभी ना मुश्किल दौर से गुजर के आसान बनाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर कवत में रखकर जहानाबाद। देखिए ये थे जबरा फैन, जो RJD के सबसे बड़े फैन है, पहले भी हम आपको मिला चुके हैं इनसे, और एक बार फिर ये पटना के एयरपोर्ट पे हमें मिल गए और ये जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव से मिलने। मैंने बताया कि कुछ देर बाद लालू प्रसाद यादव पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और जितने भी उनके फैन हैं बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं उनके आने का। तो अब देखना होगा क्या कुछ बदल रहा है बिहार में लालू प्रसाद यादव के आने के बाद। धन्यवाद, ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।